हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है प्रदीप कुमार, आप देख रहे हैं वेलकम लाइव चैनल। तो दोस्तों, आपका अपने यूट्यूब चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो आज हम कुछ क्वेश्चन मैंने जो है पिक किए हैं, जो भी कमेंट करते हैं। कुछ सवाल मैं जो है नहीं दे पाता, लेकिन आज मैं जो है इसी टॉपिक पे मैं जो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ, जो जो भी मैंने कुछ क्वेश्चन जो है पिक किए हैं और वो क्या पूछते हैं, सभी डिटेल आज की इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ। तो चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब के बाद में जो घंटी आती है उसको जरूर दबा ले, जैसे ही मैं अपनी अगली वीडियो डालूंगा आपके पास तुरंत नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो सबसे जो पहला कमेंट है ये है मनीष विश्वकर्मा जी का, और ये पूछते हैं भाई कि गाड़ी को स्टार्ट करने के बाद और गाड़ी को जब बंद करते हैं तो उस पर रेस क्यों देते हैं। देखिए, मैं सिंपल सी आपको बात समझा देता हूं। देखिए, जब भी हम गाड़ी को स्टार्ट करते हैं तो गाड़ी जब तक नहीं चलती, जब तक उसका पूरा जो है टेम्परेचर, पूरा प्रेशर जब तक नहीं हो जाता, कुछ ड्राइवर क्या करते हैं कि जल्दी जल्दी के लिए वे रेस पे पैर धरते हैं, बार बार हटाते हैं, धरते हैं, और रेस को थोड़ा सा ज्यादा कर करके उस गाड़ी का जो प्रेशर है वो पूरा कर देते हैं, जिनको जल्दी होती है। लेकिन जिनको जल्दी नहीं होती वे आराम से उसको स्टार्ट करके छोड़ देते हैं, 5-10 मिनट बाद वे उस गाड़ी को चलाते हैं। तो जब स्टार्ट करने की बात तो यह है, लेकिन जब वो बंद करते हैं गाड़ी को, वो भी एक सिंपल सी बात है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है कि वो रेस क्यों दबाते हैं। ये कुछ हैबिट हो जाती है बहुत से ड्राइवर की, लेकिन बहुत से ड्राइवर की आदत बिल्कुल नहीं होती कि हमें रेस दबानी है और जब गाड़ी को बंद करना है। तो इससे कुछ फर्क नहीं पड़ता है इन बातों से। तो विश्वकर्मा जी, इस बात का आप ध्यान रखें, और जिसने भी आपसे सवाल किया है उसको आप बेझिझक बता सकते हैं इस बात के बारे में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है जो वो है आदर्श कांबे जी का, कि ये कहते हैं कि भाई आप एक प्रैक्टिकल वीडियो बनाइए। देखिए, ऐसा है कि प्रैक्टिकल वीडियो तो मैं बना दूंगा, लेकिन उसके लिए एक बंदा और चाहिए मुझे, क्योंकि आप जानते हैं कि अगर मैं गाड़ी चलाऊंगा तो दूसरे बंदे को वीडियो बनाने के लिए भी चाहिए। तो ऐसा कोई दिन आएगा फ्री टाइम तो आपके लिए एक वीडियो अपलोड करूंगा जिसमें मैं खुद गाड़ी चलाऊंगा। बहुत जल्द आपके लिए वो वीडियो आने वाली है, नेक्स्ट 2-4 दिन में या 5 दिन में, जितना भी टाइम लगता है उसके बाद मैं आपको वीडियो अपलोड करके जरूर दूंगा। मेरी खुद की ड्राइविंग होगी और आपको फुल इंजॉय होगा उसमें, एक बढ़िया वीडियो आपके लिए होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विवेक कुमार का, ये बोलते हैं कि भाई लेफ्ट साइड का जो है हमें जजमेंट नहीं हो पाता है ट्रक गाड़ी के अंदर। तो भाई, मैंने उसके लिए एक जो है वीडियो अपलोड कर रखी है पहले से, तो उसको आप देख के कुछ जजमेंट सीख सकते हैं। तो आपको मैं एक बात और बता दूं कि जजमेंट आपको एकदम से नहीं हो पाएगा, धीरे धीरे आपको जो है हैबिट पड़ जाएगी, आदत हो जाएगी, और आपको धीरे धीरे 1-2 महीने में जो है आपको फुल एक्सपीरियंस हो पाएगा। इससे पहले आपको नहीं होगा कि अभी ये सोचते हैं कि एकदम से आपको हो जाए, तो ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। और नंबर 4 पे है कि भाई हमें बताइए, अरुण कुमार जी पूछते हैं कि हम कितने दिन में मैं गाड़ी जो है सीख सकता हूँ। तो देखिए, मैं आपको एक सिंपल सी बात बता देता हूँ, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप गाड़ी कितने दिन में सीख पाते हो। देखिए, कोई भी सिखाने वाला है वो तो अपनी तरफ से फुल आपको जो है सपोर्ट करेगा और फुल आपको सभी चीजें सिखाएगा, लेकिन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितने दिन में आप उस चीज को जो है अपने अंदर दिमाग के भरते हैं, या कितने दिन में आप उस सभी बातों को जो है हैंडलिंग कर पाते हैं। वो आपके ऊपर है, न कि किसी सिखाने वाले के ऊपर कि आप कितने दिन में सीखते हैं। सीखने वाला तो 2-4-5 दिन में भी सीखता है, लेकिन बड़ी गाड़ी को सीखने के लिए कम से कम आपके पास 1 महीना 2 महीना भी होना चाहिए, तो आप एक फुल ड्राइवर बन सकते हो। उससे पहले आपको कोई ड्राइविंग इतनी अच्छी खासी नहीं आ पाएगी, आप सभी जगह पर जो है ड्राइविंग कर पाओगे 1-2 महीने आपको जरूर लगेंगे, लेकिन कार वगैरह है इनसे आप जो है 5 या 10 दिन में सीख सकते हैं अच्छे तरीके से, मैं आपको ये बता देता हूँ। तो और जो है कि और एक बात और आपको मैं बता देता हूँ कि आप जो भी कमेंट करते हो उसका मैं रिप्लाई क्यों नहीं दे पाता, तो इसका भी मैं आपको बता देता हूँ कि मेरे पास देखिए इतना जो है टाइम नहीं हो पाता है। आप भी इस बात को समझते हैं कि जो गाड़ी चलाता है उसके पास खास जो टाइम नहीं हो पाता है, वो इतना ही टाइम मेरे पास निकलता है कि मैं अब देखिए मैं 4, 5 या 6 बजे तक भी अगर आता हूँ कहीं पे तो वहां से मैं वीडियो अपलोड कर देता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा जब टाइम हो जाता है तो मैं वीडियो
नहीं बना पाता और वीडियो मिस हो जाती है मेरी, तो यही कारण है। और जो भी मेरे व्यूवर्स हैं, भाई हैं, अगर मैं उनका जो कमेंट का रिप्लाई नहीं दे पाता हूं तो वो बिल्कुल भी नाराज बिल्कुल मत होया करो कि आपने हमारे कमेंट को नहीं देखा। मैं ऐसा नहीं है, सभी के कमेंट को जो है रिप्लाई करता हूं और उनको देखता भी हूं कि किसने क्या मेरे भाई ने कहा है, और उसी पर मैं जो है विस्तार पूर्वक वर्णन करता हूँ। तो दोस्तों आज की इस वीडियो बस इसी टॉपिक पे है, तो आशा करता हूँ आज की इस वीडियो से थोड़ी सी नॉलेज मिली होगी। तो वीडियो को अभी से लाइक कर दे और चैनल को सब्सक्राइब करके बाद में घंटी को जरूर दबाएं। तो चलो दोस्तों आज के लिए जय हिंद और वंदे मातरम, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।